वेलकम टू बैक अनदर वीडियो। और आज का बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आज यूट्यूब थंबनेल के ऊपर होने वाला है। एक मेरे सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि एक प्रोफेशनल यूट्यूब थंबनेल के ऊपर वीडियो बनाऊं, तो वही वीडियो है। और भाई अच्छा लगता है कि आप लोग कमेंट करो, ये कमेंट मुझे अच्छा लगा तो मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ। आपको भी कोई डाउट होगा ना तो आप ऑब्वियसली कमेंट कर सकते हो, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो बात करते हैं थंबनेल की। आपको पता है थंबनेल जितना अट्रैक्टिव रहेगा वीडियो उतनी अट्रैक्टिव होती है और क्लिक थ्रू रेट बढ़ते हैं। तो वो बात करते हैं साइड। अब बताते हैं कि थंबनेल, तो थंबनेल को सबसे पहले हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। सबसे पहले वो थंबनेल जो हमारे साथ शो होते हैं, जैसे मैं करता हूँ, आप लोग बोल सकते हो कुछ ऐसा। और एक थंबनेल ऐसे होता है जो सिर्फ कंटेंट को शो करते हैं, कुछ टेक्स्ट वाइज कुछ इस टाइप से वो कंटेंट होते हैं। तो दो पार्ट में है, मैं आपको पहले ये पार्ट में बताऊंगा। आपको अगर ये पार्ट पे चाहिए तो पूरे डेडिकेटेड वीडियो मैं बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं एक ही बता पाऊंगा। कमेंट करना तो मैं इस पार्ट में बता दूंगा। तो बात करते हैं फेस कैम के साथ कि वीडियो कैसे बनाएं। तो इसमें क्या करना है, आपको कोई भी एक अपने कंटेंट के हिसाब से एक फोटो क्लिक करना है, ठीक है। जिस प्रकार से मैं करता हूँ, आप लोग देख सकते हो, मैं जितना भी करता हूँ सब क्लिक रहता है एक फोटो। तो आप भी अपने कंटेंट के हिसाब से कर सकते हो, एंड उसमें दिमाग लगाना पड़ता है आपकी क्रिएटिविटी की, आप कैसे क्लिक कर सकते हो। ऑब्वियसली मैं दो थंबनेल बताता हूँ, एक थंबनेल सेम ये है, ठीक है, एंड दूसरा थंबनेल मैं बताता हूँ जो क्लिकेबल रहता है, इससे अट्रैक्टिव रहता है कुछ इस टाइप से। तो आप ही आप कोर्स करो कि किस पे आप क्लिक करोगे। जाहिर सी बात आप इस पे क्लिक करोगे, क्यों, देखो अट्रैक्टिव कैसे है। तो फेस कैम में भी ऐसे होता है कि कुछ सिंपल ही डालते हैं, कुछ अट्रैक्टिव डालते हैं, तो वही मैं बताने वाला हूँ पूरा प्रैक्टिकली। वीडियो में एंड तक बने रहना भाई। और ऐसे आपको कंटेंट चाहिए तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ठीक है, और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना है। तो विदाउट वेस्ट एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट। तो गाइस सबसे पहले ये फोटो मैंने ओपन कर ली है, जो आज देख रहे हो आप लोग, यही थंबनेल है, ठीक है। देखो मैंने इसमें अभी क्रिएट किया है, जितने भी लेयर है सामने में आपको शो हो रही होगी, देखो इतना कुछ इस पे इफेक्ट पड़ा है। और यही मैं बताने वाला हूँ ट्यूटोरियल में, ठीक है। और ये आप लोग को मैं बता दूं कि ये जो क्लिक हुई है ये मोबाइल से क्लिक की गई है। अगर आपको इस पे डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं इस पे बता दूंगा। मोबाइल से क्लिक हुई है दोस्तों, ठीक है, नॉट DSLR, ठीक है। तो सीधा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पेज ले लेना है आपको। ये पेज का रेजोल्यूशन देखो आपका 16:9 होना चाहिए, ठीक है। एंड आपको सबसे पहले कोई भी एक बैकग्राउंड कलर ले लेना है, जैसे कि मैं इस पे लिया था ग्रीन का, ठीक है। एंड सॉरी, यहाँ से आप लोग एक ग्रीन कलर ले लेंगे, यहाँ से जाके सॉरी कलर, एंड यहाँ से ग्रीन कलर हम लोग ले लेंगे, ठीक है। अब इस पे हम लोग कैमरा राव फिल्टर डालेंगे, तो यहाँ से फिल्टर पे जाके हम लोग कैमरा राव फिल्टर करेंगे एंड ओके कर लेंगे, ठीक है। इसमें आपको ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं करना है, सीधा आना है हम लोग को, विगनेट को पूरा डाउन कर देना है, ठीक है, एंड मिड पॉइंट को पूरा डाउन कर देना, एंड राउंडनेस को पूरा बढ़ा देना है, एंड फेदर को भी पूरा बढ़ा देना है, ठीक है। कुछ ऐसा लुक आ जाएगा, एंड इस पर ओके कर देना है, ठीक है। अब आपको इतना करने के बाद इसकी लेवल को थोड़े से कम कर देना है, ये देखो कुछ इस टाइप से आपको कम कर देना है, ठीक है। तो आपकी लेवल पूरी लगभग कम हो गई है। एंड इसके बाद आपको यहाँ से वो क्लिक ले लेनी है जो आपने थंबनेल के लिए फोटो क्लिक की थी। आप कैसे क्रिएटिव पोज ले सकते हो, जैसे मैं आपका लिया हूँ, ये देखो सामने में शो रहा होगा, मैंने कुछ ऐसा क्रिएटिव पोज दिया, ये यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ, ये मेक MMA के थंबनेल, ये देखो। तो मैंने ये पोज दिया है, मोबाइल से क्लिक है, मैं बता दे रहा हूँ आपको। तो देखो ये कर लिया है मैंने, इसमें क्या करेक्शन किया मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले फेस स्मूथ कर दिया है पहले से, एंड बस सिर्फ फेस स्मूथ हुआ है, ठीक है। तो आपको फेस स्मूथ का वीडियो तो आपको है, आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, या आई बटन में आपको मिल जा रहा होगा, सामने में शो रहा होगा, आप वहां जाके कर लेना, ठीक है। एंड अब इस पे करते हैं, ठीक है। अब इस पे क्या करना है हम लोग को, एक बैक में टाइटल के लिए मैं एक बॉक्स ले रहा हूँ, आप लोग भी एक बॉक्स ले लेना, ये कुछ इतना, ठीक है। एंड इसमें कलर हम लोग ले लेंगे, मैंने कलर लिया था यहाँ से स्काई ब्लू हल्की, ठीक है, आप लोग कैसे भी ले सकते हो। एंड ठीक, अब इसको थोड़ा सा बैक में डाल देते हैं, ठीक है, ये देखो बैक में डाल देते हैं। अब इसमें क्या है, हम लोग का जो टाइटल है टेक्स्ट में हम लोग यहाँ से लिख लेंगे, ठीक है। तो टेक्स्ट में क्या है हमारा, मेक ए Make a thumbnail, ठीक है। आपको टाइटल में इतना ले लेना है, एंड कंट्रोल डी से इसको एडजस्ट कर लेंगे हम लोग यहाँ से, ये देखो सामने में। एंड अभी हम लोग इसको करेक्शन कर लेंगे, जो जो टाइप नहीं हुआ है पहले छोटा कर लेते हैं साइज, ये देखो, ठीक है। एंड टेक्स्ट में जाके ये मेक ए टी एच टाइप हो गया है, ठीक है।
एंड अब हम लोग को इसकी साइज को एडजस्ट कर लेना है, तो ऑल्ट एंड शिफ्ट को दबा के रखे रहेंगे एंड इसकी साइज को पूरी ऐसे कर लेंगे, ठीक है। तो इतना आपको कर लेना है, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया, बैकग्राउंड लिया, ये पीएनजी ऐड किया एंड बैक में एक शेप दिया, ठीक है, और टेक्स्ट लिख लिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, टेक्स्ट को स्ट्रोक दे देना है हम लोग को, यहाँ से ब्लैक का स्ट्रोक दे देंगे हल्के से। एंड देखो ज़्यादा बड़ी नहीं देना है, इतना कुछ देना है, ठीक है, ज़्यादा बोल्ट ना हो। एंड इसी में ड्रॉप शैडो कर देंगे, तो ड्रॉप शैडो ऊपर की ओर रहेगा, इसमें डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ा देंगे, यहाँ जस्ट ऑपोजिट होगा देखो, एंड डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ा देंगे एंड यहाँ की ऑपोसिटी थोड़ा सा बढ़ा देंगे, ठीक है। और यहाँ से इसमें थोड़ा सा कांच का लुक दे देंगे, तो ये देखो थोड़ा सा कुछ ऐसा क्रिएट हो जाएगा, एंड ओके कर देना है, ठीक है। अब आपको ये शेप है, इस शेप को थोड़ा सा इसके साइज के हिसाब से हम लोग कंट्रोल टी दा के इसको एडजस्ट कर लेंगे, ज़्यादा बड़ी नहीं रहनी चाहिए। एंड यहाँ से ओके, ठीक है, ये इतना हो गया है। एंड इस शेप को अब हम लोग को एंटर कर देना है यहाँ से। अब इस शेप को हम लोग को एक मास्किंग बना देना है एंड नीचे से, ठीक है, मास्किंग बना देना एंड नीचे से इसको ग्रेडिंग कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक कैसे करके ऊपर कर देना, थोड़ी सी ग्रेडिंग हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से ब्लैक में यहाँ टिक कर देना है, क्योंकि व्हाइट में आपको पता है यहाँ से वो हो जाती है, ब्लैक में ये इरेज होती है, तो यहाँ से यहाँ हम लोग ग्रेडिंग कर दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ से मॉडल के नीचे में, ठीक है, मॉडल के जस्ट नीचे में यहाँ से हम लोग को एक क्रेट लेयर ले लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को ग्रीन का एक लाइट देना है, जैसे कि मैं बताया हूँ लाइट इफेक्ट, जो रिम लाइट के इससे पहले वीडियो बनाया हूँ, जो नहीं देखा आप आई बटन मिल जाएगा, सेम वही थ्योरी अपनाना है आपको, तो मैं फटाक से पहले अपना लेता हूँ। देखो हम लोग को ग्रीन कलर ले लेना है, रिम लाइट का आपको पूरा रेडिकेट बता दिया हूँ, ठीक है। यहाँ से हम लोग रिम का यहाँ से एक लाइट ले लेंगे एंड ये वाला ब्रश लेना है आपको, ये देखो ये वाली ब्रश ले लेनी है आपको एंड मेक इट क्रिएट एंड यहाँ से जूम करेंगे, ठीक है। एंड इसकी ऑपोसिटी को हम लोग ऐड कर लेंगे एंड इसको बढ़ा देंगे, ठीक है। इसके टैक्स को पूरा हम लोग बोल्ट कर लेंगे जहाँ तक है, ये देखो। अब इसी में एक लेयर और क्रिएट करना है, इसमें आपको क्या करना है, सिंपल से सीधा वाइट कर देना है आपको, एक लेयर क्रिएट यहाँ से वाइट हम लोग कर दिए हैं। अब वाइट को छोटा कर देना है हल्की सी जो पास में रहे, ठीक है। एंड इसको ऐड कर देना है, ठीक है। अब हल्की सी इसका लेंथ को बढ़ा देंगे, ठीक है, यहाँ से कंट्रोल टी एंड हल्का फुल्का बढ़ाना है, ठीक है, ये हो गया, ये देखो ज़्यादा कुछ नहीं, एकदम हल्की, ठीक है। एंड ये जो ग्रीन है इसको बैक कर देंगे यहाँ से और इसको भी कर लेंगे इसके नीचे, ताकि ये टेक्स्ट पे ना जाए, ठीक है। एंड सिंपल सी अब क्या करना है हम लोग को, अब इसके ऊपर हम लोग कलर ग्रेडिंग करेंगे, ठीक है, जो रियलिस्टिक दिखाने के लिए, पूरा रिम लाइट वाला इफेक्ट होने वाला है, फटाक से करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको ग्रेन इफेक्ट दे लेते हैं, तो यहाँ से जाना है, इसको सिलेक्ट करना है एंड यहाँ से डिफॉल्ट को हम लोग को ये ऑप्शन टिक कर देना है, इस पर ये कर देना है ओके, ताकि ये मास्किंग बन जाए इसी पे। एंड हमको ग्रीन पे यहाँ कर देना है सिंपल से, एंड इसके ब्लेंडिंग मोड को हम लोग ओवर लेयर कर देंगे ताकि ये इस पर आ जाए एंड सेचुरेशन को हल्का बढ़ा देंगे, ठीक है। ये देखो ग्रीन की हो गई है लगभग सब पे, एंड इसकी ऑपोसिटी को थोड़ा कम कर देंगे, ये ऑपोसिटी फुल रहेगी, ठीक है। एंड इस पर कंट्रोल आई कर देंगे, देखो मास्किंग पे सिलेक्ट, ताकि ये गायब हो जाए और हम लोग को जहाँ जहाँ अप्लाई करना है वहाँ वहाँ देंगे, ठीक है। तो हम लोग को जहाँ से रोशनी आ रही है सबसे पहले वहाँ से अप्लाई करेंगे, ये देखो कुछ इस टाइप से अप्लाई करने के लिए यहाँ वाइट पे सिलेक्ट होना चाहिए, देखो ऑपोसिटी, एंड यहाँ से ये देखो ये ऊपर से हम लोग को पूरा अप्लाई करना है, ये देखो, ताकि एक पीछे से लगे, हाँ एक रियल का आ रहा है इस पर हम लोग का फोकस, शैडो पड़ रही है एंड यहाँ से हम लोग दे देंगे, ठीक है। ये हो गई हमारी ओवर लेयर, ये देखो, ठीक है, इतनी ओवर लेयर हम लोग की हो गई है। अब फाइनली इस पर हम लोग को लाइट क्रिएट करना है, ठीक है। तो लाइट क्रिएट करने के लिए ये मॉडल के ऊपर में, ठीक है, यहाँ से मॉडल के ऊपर में हम लोग को एक क्रिएट लेयर ले लेना है, ठीक है। एंड इस लेयर पर रहते हुए सिलेक्ट हमको मॉडल को क्लिक करना है, या तो आप सीधा लेफ्ट क्लिक करके यहाँ से क्रिएट क्लिप मास्क कर देंगे, तो सिर्फ मॉडल पे ही होगा, ठीक है। यहाँ से हम लोग ग्रीन कलर सिलेक्ट कर लेंगे एंड यहाँ से अब हम लोग फोकस डालेंगे, देखो ये हो गई एंड हल्की हल्की डाल देंगे, ये देखो। एंड अब हम इसको क्या करना है, सीधा ओवर लेयर कर लेना है, ये देखो, ठीक है। अब हल्की हल्की डाल देंगे यहाँ से पूरी फोकस, ये देखो साइड पे भी हम लोग क्लिक कर लेंगे एंड यहाँ से एंड हल्की ब्रश साइज को कम करके जहाँ जहाँ आपको लगता है रिफ्लेक्ट होना चाहिए उस जगह पे आपको कर लेना। रिफ्लेक्ट की वीडियो आपको चाहिए डेडिकेट, तो मैं पूरी बना दूँगा कहाँ कहाँ ऐसा रिम लाइट इफेक्ट होता है, तो आपको ये ज़्यादा हार्ड तो नहीं है, ईजी है, तो फास्ट फास्ट अपन कर लेते हैं।
ठीक है, ये हो गई है। अब फाइनली हम लोग इस पे मॉडल पे हम लोग थोड़ा सा एक लेवल सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से हम लोग को मॉडल पे यहाँ से क्लिक करना है, मॉडल का लेवल को थोड़ा सा कम कर लेंगे, यहाँ से हम लोग क्लैरिटी इसकी बढ़ा देंगे एंड थोड़ा सा ये डाउन कर देंगे, ठीक है, इतनी हो जाएगी। ठीक है, आपको इतनी कर लेनी है एंड सिंपल से हम अब क्या करना है, इसके ऊपर ठीक है यहाँ से रिम लाइट का एक इफेक्ट क्रिएट करेंगे। बट इससे पहले हम लोग यहाँ से जाके जो हम लोग का थंबनेल लगाना है, तो यहाँ से हम लोग थंबनेल लगा लेते हैं, आप कुछ भी लगा लेना थंबनेल, जैसे मैं इस पे लगाया हूँ वो आपको मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ से हम लोग वो थंबनेल ले लेता हूँ जैसे मैंने क्रिएट किया है, तो यहाँ से हम लोग दो थंबनेल ले लेते हैं, ठीक है, समझाने के लिए आपको। तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ एक ये वाली, ठीक है, कुछ भी ले लेते हैं हम लोग, जैसे कि हम लोग आज ये बनाए थे, चलो ये ले लेते हैं, ठीक है, ये ले लिए हैं। एंड इस पे जानी है ऐसे करके और यहाँ से हम लोग को इस पे लगा देना, ठीक है, मैं आपको दो करके बताऊंगा, आप लोग समझ जाना कुछ स्टेप से क्रिएट रहेगा। एंड देखो एक थंबनेल यहाँ है और एक थंबनेल और ले लेते हैं इस तरफ के लिए एग्जांपल के लिए, और एक थंबनेल हम लोग यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं, चलो ये वाली ले लेते हैं, कल वाले रिम लाइट वाली थंबनेल जो आपको पता होगा, जो वीडियो नहीं देखा होगा इससे पहले मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और जाके आप लोग चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हो। ये मैंने ले ली, ठीक है, अब इसको रिसाइज करके सीधा हम लोग पोजिशन दे देते हैं, देखो फाइनली हम लोग दे दिया है। अब इस पे क्या करना है, ठीक है, हम दोनों को इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट लेयर कर देना है, इसको भी एंड इसको भी, ठीक है, यहाँ से कन्वर्ट टू स्मार्ट लेयर, ठीक है। अब ये दोनों को पहले ऊपर डाल देते हैं, इस मास्किंग के ऊपर रहेगा, ठीक है, बैक में हो गया, इसके ऊपर आ गई है, ठीक है, चलो नीचे में रहने देते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद इसके ऊपर जो हम थंबनेल लगाया है इसके ऊपर हम लोग एक आउट ग्लो कर लेंगे, तो अलग अलग करनी है, जो ये इससे मैच खाती है इसी से करनी है हम लोग को, जैसे कि ये वाली थंबनेल का आउटलाइन लगभग ब्लू से मैच खाता है, तो यहाँ टिक करके ये देखो जो ब्लू है हम लोग को यहाँ ब्लू टिक कर लेना है, एंड यहाँ से हल्की फुल्की ब्लू, ये देखो ब्लू पे हम लोग टिक कर लेते हैं, ये देखो, एंड इसकी ऑपेसिटी को बढ़ा देनी है, एंड इसमें ये ग्लो कर देना हमारा ब्लू, ठीक है। एंड सेकंड वाली को हम लोग को सीधा ग्लास इफेक्ट, इस पे देखो रेड टोन का है, तो हम लोग यहाँ से जाके सीधा रेड ले लेंगे, यहाँ से आउट ग्लो जाएंगे, और यहाँ से हम लोग को सिलेक्ट करना है कलर, और यहाँ से सीधा रेड पे ले लेंगे, ये देखो ओके क्लिक, एंड इसकी ऑपेसिटी बढ़ा लेंगे एंड साइज बढ़ा देंगे, ये देखो रेड हो गया, अब दोनों भी हो गए। अब इसका भी रिफ्लेक्ट इस पे आना चाहिए, ठीक है, तो सिंपल चीज है रिफ्लेक्ट लाने के लिए, जहां से हमारी ग्रीन लेयर वापस जा चुकी है, इसको खैर फाइनली हम लोग लेके आ जाते हैं, क्योंकि ये दोनों यहाँ पे होनी चाहिए, ये देखो, ठीक है, और थोड़ी सी बिगड़ गई है, अब हम लोग इसको एडजस्ट कर लेंगे अभी, ठीक है, पहले इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है, यहाँ से ये हो गई एंड ह्यू, ठीक है। अब सिंपल से पहले इस पर एक ड्रॉ कर लेते हैं मॉडल के ऊपर, यहाँ से ग्रीन लेयर, ठीक है, तो एक एम्पिटी लेयर फिर वही लेना है वो सिंपली से, एंड यहाँ से ग्रीन जाके हम लोग को इसकी मास्किंग कर देनी है, यहाँ से क्लिप आर्ट, और पहले हल्की फुल्की जल्दी कर लेते हैं इसको रिपेयर, ये देखो यहाँ से हम लोग को इसको ओवर लेयर कर देना है, इसको रिपेयर कर लेते हैं पूरी, ये देखो, ये इसके ऊपर हो रही है, तो हम लोग सीधा इसके मॉडल के ऊपर ले लेंगे, सो देखो हो चुकी है, ठीक है। अब क्या करना है हम लोग को, ये थंबनेल, ये दोनों थंबनेल का रिफ्लेक्ट इस पर पड़ना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ से मॉडल के ऊपर हम लोग एक पहले यहाँ से बना लेंगे एक एम्पटी लेयर, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ से ब्लू हो रहा है, तो पहले हम लोग ग्रीन को हटा देते हैं ताकि समझ में आ जाए, एंड ये ब्लू वाला, तो यहाँ से हम लोग को सिंपल जाना है, यहाँ पे टिक कर देना है एंड ब्लू का रिफ्लेक्ट डालेंगे, ठीक है, तो ब्लू का रिफ्लेक्ट डालने के लिए सेम करना है हम लोग को, यहाँ से इसको क्रिएट क्लिप कर देना है, देखो क्रिएट क्लिप कहाँ कर रहा हूँ दोस्तों, ये मॉडल के ऊपर पे जितना आ रहा है, ये पूरे मॉडल पे ही हम लोग को सेट होगा, ये देखो यहाँ से हम लोग ग्रीन लिए हैं, यहाँ जाना है हम लोग को, ये देखो ब्लू का इफेक्ट हम लोग को डालना है, इधर से ब्लू और हल्के फेस पे ब्लू जाएगा, ठीक है, ये देखो
और ये इसके नीचे कर देना, ठीक है, ये ऊपर, एंड इसको ओवर लेयर कर देना है, ये यहाँ से हो गई है इसकी ओवर लेयर लगभग लगभग, ठीक है। एंड अब इधर से हम लोग को रेड का डालना है, तो सिंपल से यहाँ से फिर एक लेयर क्रिएट करेंगे लेवल्स के ऊपर, कंट्रोल जेड, यहाँ से एक और लेयर सिलेक्ट करना है ऊपर में, एंड इसकी क्लिप मास्किंग कर लेनी है हम लोग को, एंड इस पर अब रेड वाला करेंगे, ठीक है, इस साइड का थंबनेल के हिसाब से। तो यहाँ से जाएंगे हम लोग एंड रेड वाला कलर सिलेक्ट करेंगे एंड ओके कर लेंगे। अब इस तरफ पे पूरा कर लेंगे रेड का इफेक्ट, ठीक है, ये हो गया इस टाइप से एंड यहाँ से, ठीक है, ये देखो कुछ ऐसी ऐसी होगी। एंड इसको ओवर लेयर पूरी कर देना है, ठीक है, तो देखो ओवर लेयर करने के बाद इस पर पूरा इफेक्ट पड़ गया है। एंड देखो फाइनली हमारी दोनों साइड से हम लोग का रिफ्लेक्ट पड़ चुका है, ठीक है। एंड अब ग्रीन वाला जो है ग्रीन ग्रीन पार्ट को वहाँ वहाँ से मिटा देंगे जहाँ जहाँ से हम लोग को रेड पड़ रहा है। तो देखो यहाँ से जाना है ग्रीन पे, सीधा इरेज कर लेंगे जो जो पार्ट में हमारे ये पड़ा है, ये देखो यहाँ से ब्लू पड़ा है तो हम लोग यहाँ ब्लू छोड़ देंगे, ये देखो, और यहाँ से रेड पड़ा है तो इसका रेड को छोड़ देंगे, और बाकी तरफ तो हमारा ग्रीन रहेगा, ठीक है, ये देखो ये फाइनली रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, आपको पता चल रहा है रियलिस्टिक। अब इसमें लास्ट में क्रीम लाइट का और लास्ट इफेक्ट डाल देना है, ठीक है। तो इसी पे जाएंगे सीधा मॉडल पे हम लोग, एंड यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे ह्यू एंड सैचुरेशन पे, एंड डिफॉल्ट को हम लोग कर देंगे ये, एंड इस पर मास्किंग, अब इस पर मास्किंग कोई भी कलर का हम लोग को सैचुरेशन पूरा डाउन कर देना है, एंड इसकी एड को बढ़ा के यहाँ से इसका ब्लेंडिंग मोड को ऐड कर लेना है, ठीक है, ये देखो। एंड इसके हिसाब से हम लोग जितना चाहे इतना का यहाँ रखेंगे लाइट, और उसके बाद यहाँ पर कंट्रोल आई कर देना है। अब आपको फटाक से रिम लाइट का जो इफेक्ट रहता है लास्ट वो आपको क्रिएट कर देना है, तो मैं फटाक से पहले कर लेता हूँ। देखो यहाँ से आपको डेडिकेटेड वीडियो मिल जाएगी आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन पे दोनों पे, तो इसको फास्ट से मैं कर लेता हूँ, ठीक है, ये देखो। Rise up from the ashes, wings on my back, stay lit like a matchstick. We ain't coming back, I swear. Just let go and see what happens, gotta let go to see the magic happen. They got this a quick change, so we like a main phase. I just bought a new watch, time to make my wrist ring. So finally, हम लोगों ने देखो रिम लाइट क्रिएट कर लिया है, इसके बैक के ऊपर देखो यहाँ से यहाँ पे लेफ्ट हो गया, ये देखो मिनिमाइज। तो आपको भी ऐसी कुछ क्रिएट कर लेनी है, ठीक है। आप सिंपल से आपको देखो पूरा बैकग्राउंड एक पूरा तैयार हो गया है, रेड लाइट को हम लोग को यहाँ से ओवर लेयर सब चीज़ है। तो फाइनली देखो हम लोग का थंबनेल कुछ इस टाइप से बना था, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ये वाला थंबनेल देखो, इसमें मैंने ये क्रिएट किया था तीन बार, आप लोग लोगो लगा सकते हो, आप लोग पूरे समझ चुके होंगे ये वीडियो को। और लास्ट में फाइनली हम लोग क्या करना है, ये सब लेयर का कंट्रोल अल्ट शिफ्ट ई, ठीक है, ये कर देना है। एंड इस पर फिल्टर पर जाके कैमरा रॉ फिल्टर पर चले जाना है, तो सिंपल कुछ ही इफेक्ट देना है आपको, जैसे कॉन्ट्रास्ट को हल्की से बढ़ाने, हाईलाइट को हल्की बढ़ाने, शेडो हल्की, एंड ब्लैक को थोड़ी इसका क्लैरिटी को बढ़ाना है, हम लोग का मेन फोकस क्लैरिटी पे रहेगा। तो देखो कुछ ये इस टाइप का आएगा, देखो पहले कैसे था, एंड देखो पूरा मैजिक जैसा हो गया है आपको। तो देखो फाइनली समझ में आ गया होगा, मैं क्लियर आपको बता रही हूँ, देखो हूबहू बिल्कुल फ़र्क नहीं है आपका। तो मैं एग्जांपल के लिए दो ठो बताया हूँ, तो आप लोग भी ऐसे अपने खुद के क्रिएट थंबनेल बना सकते हैं, एकदम नया जो यूट्यूब पे बहुत कम डालते हैं, एकदम अट्रैक्टिव और कैची रहते हैं, ठीक है। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो यार, और अभी तक जो चैनल सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, और फिर मिलते हैं ऐसी किसी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।